गांधी भवन मंडी में कांग्रेस सेवा दल की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सेवा दल प्रभारी अनुराग शर्मा ने की। इस बैठक में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार के कारणों को लेकर चर्चा की गई और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने पर भी चर्चा की गई। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी कार्यालय गांधी भवन में कांग्रेस सेवा दल की एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख अनुराग शर्मा ने की। बैठक में चर्चा के उपरांत सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि वर्ष 2018 को सेवा दल सदस्यता अभियान के रूप में मनाएगा और इस वर्ष सेवा दल में नए सदस्य जोड़ने के लिए संगठन काम करेगा। साथ ही पुराने निष्क्रिय सदस्यों को भी पुनः स्क्रीन करने का प्रयास किया जाएगा ताकि आने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी को जीत दिलाने के लिए सेवा दल प्रदेश में सक्रिय भूमिका अदा कर सके। इस अवसर पर सेवा दल प्रमुख अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेवा दल को एक बड़ा दायित्व सौंपा है जिसके लिए सेवा दल पूरा प्रयास कर रहा है। आज 30 जनवरी है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की तरफ से महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सशक्त नमन करता हूं। उनके बताए हुए रास्ते पर सत्य और अहिंसा का जो मार्ग उन्होंने पूरे विश्व को और पूरे देश को दिखाया के लिए आज कांग्रेस सेवा दल शपथ लेकर आने वाले समय में 2019 की एक बड़ा महत्वपूर्ण मिशन जो माननीय राहुल गांधी जी अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस सेवा दल को सौंपा है उसके तहत आज एक मंडी पार्लियामेंट की मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग में मंडी पार्लियामेंट के सभी पदाधिकारी हमारे बीच में हैं और पिछले विधानसभा में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हार के कारण क्या रहे इसकी समीक्षा और इसके साथ साथ आने वाला जो मिशन 2019 है उसके लिए रणनीति बनाने के लिए आज ये बैठक रखी गई है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि ये जो वर्ष है वर्ष 2018 हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ये वर्ष जो है सदस्यता अभियान वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है। नवीन सदस्यों को आमंत्रित करना और पुराने जो साथी हैं उनको भी आगे साथ लेकर चलना ये कांग्रेस सेवा दल की एक महत्वपूर्ण एक पीढ़ी की परंपरा रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने कार्यकर्ताओं को अपने सैनिकों को आज एक इस मीटिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उनके लिए वो तैयार हो जाए।